मीरा मक। ये कन्वेंशन था, ये जलसा बन गया जी। ये वाम की मोहब्बत है, वाम का प्यार है मरियम बीबी के साथ। हम इंशाल्लाह ताला पूरी जदोजहद के साथ हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और ये जीतेंगे भी इंशाल्लाह ताला। और एक मुझे बताइएगा मियां नवाज शरीफ साहब कब तक तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो बड़ी क़यादत ही आपको बता सकती है, वो बताएंगे आपको। और इंशाल्लाह सुनने में यही आ रहा है कि अन करीब जल्दी आ रहे हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन करीब है, उनका आना बहुत ज़रूरी। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे और वो आएंगे और इलेक्शन का माहौल ही चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वालेकुम अस्सलाम जी। ये एक लोगों की मोहब्बत का इजहार है और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे और हालात यकसर चेंज हो जाएंगे आपको देखेंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होंगे, मुल्क की बेहतरी इसी में है जी। आज का ये जो प्रोग्राम, ये कन्वेंशन है, लेकिन माशाल्लाह जब मैं देखा तो ये कन्वेंशन तो एक जलसा गाह बन चुका है। और अभी हमारी लीडर जो है वो यहाँ पर नहीं आई, नहीं पहुँची, लेकिन जलसा गाह आपके सामने है। ये है मोहब्बत मियां नवाज शरीफ की, ये है मोहब्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साथ। और अब आप देख रहे हैं कि अवाम का एक ठाठे मारता समुंदर यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और दर चौक लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दिन है और ये जो किस्मत है ये पाकिस्तान की, ये हमेशा मुस्लिम लीग नून ने ही बनाई है, उनके लीडरान ने ही इस पाकिस्तान के हालात को बेहतर किया है। आज हम उम्मीद रखते हैं अपनी लीडर मरियम नवाज साहिबा से कि वो जिस तरीके से अपने वर्करों को, अपने वोटरों को इकट्ठा कर रही है और मुतरक कर रही है, आने वाला दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। और मैं नुमाइंदगी डॉक्टर शिजा मुनसब अली खान की कर रहा हूँ, उनका कोऑर्डिनेटर हूँ। आप बताएंगे आपके कायद मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान कब तक तशरीफ लाएंगे? इंशाल्लाह ताला अन करीब, अब वक्त वो दूर नहीं है, चंद दिनों की बात है कि वो तो अब तो नज़र आ रही है, इलेक्शन के दिन है, अब तो वो ज़रूर आएंगे ना, हर सूरत आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये उनका मुल्क है, ये पाकिस्तान उसका है, इसके लिए उन्होंने जान डाल की अपनी मेहनत की है, कहाँ इनके लिए दिन रात मेहनत की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं वो आएंगे और जल्द आएंगे। वालेकुम सलाम। जी राव अशर, हम शेख अलाउद्दीन साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं, इनकी क्यादत में चूनिया से ये सारा कारवां आ रहा है और शेख साहब स्टेज पर जा चुके हैं और अभी हमारी बहुत सी और अभी गाड़ियाँ रस्ते में हैं, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई पड़ी है, तो हम फिर गाड़ियों से पैदल उतर के यहाँ जलसागर तक पहुँच गए हैं। सर आज के जलसे के हवाले से आपका? आज हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ की बेटी, जो हमारी सब की कायद है, दुख्तरे पाकिस्तान मोहतरमा मरियम नवाज साहिब आई हैं, उनके इस्तकबाल के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की की पहचान पहले भी मियाँ नवाज शरीफ थे और अब भी इंशाल्लाह नवाज शरीफ होंगे जी। सर आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, मियाँ साहब पाकिस्तान कब तशरीफ लाएंगे? अब तो इलेक्शन का दौर है। इंशाल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है और इसके अंदर मियाँ साहब भी तशरीफ लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह।